ग्वालियर जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर दूर दंदरुआ में एक ऐसा मंदिर है जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि ये मंदिर डॉक्टर मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पहुँचने भर मात्र से भक्तों की हर दुख तकलीफ दूर हो जाती है। मंदिर इतना अद्भुत है कि यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये मंदिर है दंदरुआ के सरकार हनुमान जी का। जब MKN न्यूज़ की टीम मंदिर पहुंची तो मंदिर का नज़ारा अद्भुत था। हमारी टीम ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके हर कष्टों का निवारण होता है, किसी प्रकार की बीमारी हो यहाँ आकर ठीक हो जाती है। पुजारी राम वरन ने बताया कि इस मंदिर में 400 वर्ष पुरानी मूर्ति है जो कि एक पेड़ से निकली है। अधिकांश भक्त मंगलवार और शनिवार को दर्शन करने यहाँ आते हैं। कैसा है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर के चमत्कार, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आगे भगवती महाराज जी हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, उनको भगवती देते हैं। कैसी कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, सब दूर होती है। कितने वर्ष हो गए इसको यहाँ पर पेट से निकले हुए? ये 400 साल बता रहे हैं, 400 साल हो गए। ये पड़ता कहाँ पर है मंदिर में बाबा जी? दंदरुआ धाम है जी। कौन से जिले? जिले भिंड जिले में, तहसील में गाँव। अच्छा, तहसील। तो भिंड से कितने किलोमीटर होगा यहाँ? भिंड से 40 किलोमीटर है। और ये अपने ग्वालियर से? ग्वालियर से 60 किलोमीटर। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि इस समय अपन दंदरुआ सरकार के भवन के अंदर आ चुके हैं यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पर बाबा के दर्शन भी कराऊंगा। और यहाँ पर महंत जी जो हैं, पुजारी जी हैं, उनसे पूछूंगा यहाँ का महत्व कि इनको यहाँ पर डॉक्टर भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग, मैं बाबा से मिलवाता हूँ। बाबा जी, आपका चैनल पर स्वागत है जी। सर, पहले तो ये बताएं, जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये बताएं, ये मूर्ति है दंदरुआ सरकार की जी, ये प्राचीन मूर्ति है या मतलब स्थापित भी है? नहीं नहीं, बहुत प्राचीन मूर्ति है ये, 400 साल है, बहुत पुराना। यहाँ तो पहले पेड़ था, ये पेड़ से निकले थे वहीं से, कहीं पदस्था कराई नहीं, बाद में पदस्था भैया बहुत डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है ये। डॉक्टर रमान जी के नाम है, डॉक्टर के नाम से। डॉक्टर नाम से। तो ऐसा क्या मतलब डॉक्टर क्या मतलब डॉक्टर नाम से क्या है? विदेश तक कई इलाज करने याद डॉक्टर इसमें बहुत लोगों ने दर्शन देते हैं जी। अच्छा, हाँ, डॉक्टर भी दर्शन देते हैं। तो यहाँ मतलब जो दरबार है उसके पीछे बिल्कुल पीछे एक चक्र व्यू यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जिस दरबार से घुसते हैं और उंगली से ऐसे करके वापस आ जाते हैं तो उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे संग, ये पूरा चक्र व्यू है ये इस तरह से। तो जरा बताएं इसको करके महाराज जी। जी, संकट व्यू है, एक ही गेट, जिसी गेट से घुसते हैं उसी गेट से निकलते हैं। थोड़ा सा कर बताएं, जरा हम देखना चाह रहे हैं किस तरह से। अच्छा, आप देखिए। हाँ। तो दर्शकों देख सकते हैं महाराज जी पूरा ये करके दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी यहाँ श्रद्धालु लोग भक्तगण दर्शन करने आते हैं वो इस तरह से देखिए, ये महाराज यहीं से चालू हुए और ये पूरा। तो अगर जो नहीं कर पाता महाराज जी वो नहीं नहीं कर ही लेते, सभी लोग ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा मैंने सुना है कि नहीं कर पाते तो उन पर संकट रहता है। नहीं 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 नहीं, इसको करना जरूरी है। यहाँ आ जाता है उसका संकट तो मिट ही जाता है, उसको करना जरूरी है। यहाँ के घंटा बजाता है उसका डंडा मिट ही जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दर्शकों, मैंने बताया ना ये यहाँ पर आप लोग मेरे चैनल के माध्यम देख रहे हैं, जो महाराज जी जानकारी दी, तो घर बैठे मैंने आपको दर्शन कराए और बाबा के धाम के दर्शन कराए यहाँ पर। ये पूरा पीछे बाबा का कैंपस है दंदरुआ सरकार, जो कि डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर इस भिंड जिले के अंदर। मैं योगेश बिसारिया के नेशनल न्यूज़ दंदरुआ सरकार।